नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीली जानी पवार धर्मेश मेहता जी के साथ आप सभी का फिर से डीएम एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लोग सर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार हर महीने में कहेंगे तो भी चल जाएगा कि हम लोग मनाते रहते हैं त्योहारों का ही देश जी और उसमें से कुछ ऐसे अमुक त्योहार है कि जिसके पीछे बहुत हर एक त्योहार के पीछे शास्त्रीय कारण है, लेकिन ऐसे एक पर्टिकुलर ऐसे कुछ त्योहार है कि जिसके पीछे सिर्फ शास्त्रीय नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उसके पीछे छुपा हुआ है, जो हम लोग वंश परंपरागत कुछ त्योहार मनाते आ रहे हैं। और उसमें से एक त्योहार जो बहुत जल्द हम लोग सेलिब्रेट करने वाले खुशियां मनाने वाले हैं, वो त्योहार का नाम है नवरात्रि। सर नवरात्रि, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ प्लेइंग डांडियास इन गुजराती, इट इज वेरी फेमस गरबा एज यू आर आल्सो गुजराती एंड गुजराती, सो इट इज बिलोंग टू सेम कम्युनिटी। सो सी दैट इज ऑल, ये मैं भी ये पहली बार हिंदी में वीडियो कर रहा हूँ, सो व्यूअर्स जस्ट एक्सक्यूज के मैं थोड़ा हिंदी सीख रहा हूँ करके। सो ये भारत का तो आपको सबको पता है परंपरा है, नौ रात्रि नौ दिन नौ ग्रह कुछ तरह से है इसमें जी। अब ये नवरात्रि आती है, उसके पहले का समय अगर हम देखें तो ये नवरात्रि का महत्व पता चलेगा। नवरात्रि आती है पितृपक्ष के बाद, इसके पहले 15 दिन पितृपक्ष होते हैं। अब पितृपक्ष के समय बराबर, क्योंकि पृथ्वी गोल नहीं है, हम सब जानते हैं कि वो अंडाकार ओवल शेप में, सो इसका ऊपर का और नीचे का सिरा ज़्यादा बड़ा है। सो ड्यूरिंग एक तो आपका चैत्र महीने में और एक भाद्रपद महीने में वो पार्ट सूर्य से ज़्यादा करीब आता है जी। तो क्या होता है, सूर्य मतलब हम बोलते हैं हमारे पितृ, इसलिए पितृपक्ष मनाते हैं। सूर्य बहुत ज़्यादा पृथ्वी से नजीक आता है तो सूर्य के बहुत सारे रेज बहुत सारी एनर्जी पृथ्वी में आ जाती है। अब उसको कंज्यूम कैसे करेंगे, तो हमारे शास्त्रकारों ने हमारे विद्वानों ने हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि भाई इस समय पर हम कोई ऐसी उपासना करेंगे धरती से कोई ना कोई एनर्जी जैसे कैसे ले सकते। आपने देखा होगा कि नवरात्रि में लोग पूरा फास्टिंग करते, पूरा नौ दिन खाते नहीं है, ऊर्जा प्राप्त करने ऊर्जा प्राप्त करते, क्योंकि आप जब अंदर से नहीं खाते तो आप नेचर को सरेंडर हो जाते हैं, नेचर की एनर्जी आने लगती है। बिल्कुल, मैंने देखा है नौ दिन के उपवास में कोई भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, नहीं कोई तकलीफ नहीं होती। सर मैं पिछले 15 सालों से कर रही हूं, देखिए आप इनको देख के कुछ नहीं होता, मच हेल्दियर। सो क्या होता है उस समय पे, आपने भी शायद ये किया होगा कि दे डोंट वेयर शूज, यस, क्यों, क्योंकि ये सारी एनर्जी पृथ्वी में आ चुकी है और पृथ्वी से अगर आपको कोई भी एनर्जी चाहिए तो नंगे पैर होना चाहिए, देन ओनली द ग्रेविटेशन फोर्स विल अट्रैक्ट। एट दैट टाइम ग्रेविटेशन फोर्स इज सो हाई दैट ड्यूरिंग द पूरा दिन कुछ न खाते हुए भी लोगों में इतनी शक्ति होती है। इसलिए ये शक्ति का त्यौहार कहा जाता है, लोगों को साधना में बैठने को कहा जाता है और हम तो ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे तो हमें शक्तियाँ चाहिए ही। सो नौ दिन की नौ देवियों का आह्वान करते हैं, नौ दिन पे नौ ग्रहों का स्थापन होता है। जिनका भी ग्रह ठीक से नहीं है तो उनके लिए तो ये सबसे बड़ा मौका है कि हर रोज एक एक ग्रह का भी करेंगे, पहले दिन सूर्य का फिर चंद्र का फिर मंगल का, तो भी उनके लिए बहुत काफ़ी है। उनका दान दिया हुआ है, उनका रंग दिया हुआ है, उनका मंत्र दिया है, क्या कुछ शास्त्रों में नहीं दिया है तो हम अब उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेकेंड ऑफ अक्टूबर नहीं फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को घट स्थापना है, क्योंकि अगले दिन अमावस्या जो सर्वपितृ अमावस्या जिसको बोला जाता है, उसका सब पितरों को श्राद्ध देने के बाद एक अच्छे माहौल की शुरुआत होती है। लोग घट स्थापना यानी कि मिट्टी का घड़ा जो रहता है, शक्ति का संकलन करते हैं, मिट्टी में वो गेहूं के पौधे जवार के पौधे लगाते हैं और उसकी पूजा अर्चन करते हैं। तो सर इसके बारे में हम ग्रहों को इसके साथ कैसे जोड़ेंगे, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। जरूर सी, ये क्या है कि शक्ति का ही है और हमारे पास नौ दिन है, नौ रात है, सॉरी रात्रि को इस पर ज़्यादा प्रभाव होता है। नौ रात्रियों में हर एक दिन एक एक ग्रहों का आप करते जाइए तो आपकी कुंडली के नौ ग्रह अच्छे हो जाएंगे, उनको सबको चार्जिंग हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं वे मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, चलो चार्जिंग पे लगाओ, ये हर एक ग्रह को चार्जिंग मिलता है। और जिस दिन से, जैसे आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे देवियों का, तो देवी के डिस्कशन में भी आप कहेंगे कि कौन सी देवी को लाना है, किसको लाना है, साथ साथ में ग्रहों का भी उसी समय पे उसी तरह से स्थापना किया जाए
उसका दान दिया जाए, उसका जप किया जाए, तो ये जो शक्ति है जो यूनिवर्सल एंड कॉस्मिक रेज में है, सी ये ऐसा है, एनर्जी का ये है, वेयर द इंटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, ये यूनिवर्सल है। इतनी सारी है, आपका मोबाइल अलग है, मेरा मोबाइल नेटवर्क अलग है, फिर भी ये कॉस्मिक रेज में दोनों के जुड़े हुए। सो वही यूनिवर्स में सारे ग्रहों का भी है, सारी देवती देवी देवता सबका है, आप किसको अट्रैक्ट करते वो आपके पास आती है। बिल्कुल। सो जैसे आप एक एक देवी का बताएंगे तो उस हिसाब से, और मैं चाहता हूँ कि ये सारा राइटअप आप अपने प्लेनेट के सोल में भी FB में फेसबुक में डालिए, अगर मुझे मिला तो मैं भी आपका शेयर करूंगा मेरे डीएम एस्ट्रोलॉजी में, ताकि व्यूअर्स को क्या है कि एक हैंडी रेडी रेक ना मिल जाए। और रेडी मिलता है। और सर, और एक इसके पीछे का रीजन ये है कि सिर्फ हमें लोगों को बताना नहीं है, लेकिन हमारी परंपराओं से लोगों को अवगत कराना है, चलाना भी कि ये हमारी परंपरा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो एटलीस्ट सेव करके रखेंगे, तो औरों को भी और 10 जन को ऐसी चेन बनती जाएगी। आज के यंगस्टर देखे तो वही मानते कि बस 10 दिन डांडिया खेलना है, दे डोंट नो व्हाट इज द बिग पासेस के पीछे भागते हैं, बस कि यहाँ पे अच्छा चल रहा है, वहाँ पे अच्छा चल रहा है, यहाँ खेलेंगे। बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे, उनको लगता है दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ डांडिया, नो, ये शक्ति का है, शक्ति फेस्टिवल। पिछले साल आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री भी 9 दिन फास्ट किए हुए, कितनी सफर की थी और उनको कितनी ताकत थी, कोई बोल नहीं सकता कि उन्होंने खाया नहीं था। और एक बात कई लोगों को पता भी होगी, और मैं भी बता देना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री भी शक्ति के उपासक है। वो मैंने कई जगहों पर लेखों में पढ़ा है कि वो बहुत देवी की आराधना करते हैं, और हम सभी ने करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी सृष्टि जो है वो शिव और शक्ति में ही समाई हुई है। जो ओम हम लोग बोलते, ओम में पूर्ण ब्रह्म समाया हुआ है, तो इसी प्रकार अगर शक्ति को हम नाराज करके नहीं चलेगा, और ये त्योहार है तो हमें सबको इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाना है। तो मैं सर, मेरे पास कुछ मटेरियल है, तो मैं सबके साथ शेयर करूंगी कि जो 9 दिन है उसमें 9 प्रकार की देवियों के नाम दिए गए हैं। हालांकि और सबसे जो पहला दिन है वो 1 अक्टूबर को आ रहा है, वो उस दिन शनिवार है। तो पहला जो दिन है, पहली जो नवरात्र है, वो शैलपुत्री को प्रदान की गई है, शैलपुत्री के नाम से जानी गई है। उस दिन जो कट्टर हिंदूवादी है, जो पारंपरिक में मानते हैं वो लोग, उस दिन वैदिक में मानते हैं, उस दिन वो शैलपुत्री की आराधना करने वाले हैं। और शैलपुत्री जो है वो हिमालय की पुत्री के नाम से जाना जाता है। और आगे बढ़ते हुए मैं और एक बात बताऊंगी कि जो हमारे शरीर में 7 चक्र है, वैसे तो हमारा पूरा शरीर सर चक्र से बना हुआ है, लेकिन जो चक्र की जहाँ से हमारे कुंडलिनी से जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट है सर, वो है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए, हमें इस दिन की शुरुआत में हमें जो उपासना साधना, हम जो मेडिटेशन करते हैं, तो इस दिन जिनको भी साधना पता है, जानबूझकर करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अगर आपके अंदर आ गई और आप संभाल नहीं पाए तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हर एक ने ध्यान में रखना है कि मैं मेरा मूलाधार चक्र एक्टिवेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उस प्रकार से आप शैलपुत्री नमः या तो जो भी देवी का मंत्र आप चैंट करते हो, सूर्य का, क्योंकि सूर्य से ही आपका उदय हुआ है। मूलाधार चक्र के लिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये मूल है, ओरिजिन है। सो जी, नॉर्मली जब हम जन्म लेते तब मूलाधार चक्र ही हमारा एक्टिव होता है, इंद्रियों से, क्योंकि ये इंद्रियों का चक्र होता है। इंद्रियों से ही तब तक हमारा अवगत होता है, हमें भूख पता नहीं होती, कुछ नहीं, हमें खाली इंद्रियों का सुख होता है। सो जिनको इंद्रियों पे काबू करना है, उसके लिए मूलाधार चक्र पहला दिन बहुत बढ़िया है। सी, जब दिन की हम बात करते हैं नवरात्र की, तो आप दिन मत लीजिए, इसको रात समझिए। और पहला दिन क्यों सर मूलाधार को दिया है, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं वो तो भागती रहती है, क्योंकि हम लोग मटेरियल लाइफ जी रहे हैं, हम लोग ने अभी तक गृहस्थी में रह के हम थोड़ा बहुत परमार्थ कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेहद जरूरी बन जाता है, क्योंकि हमें गृहस्थी छोड़ के भी चलने वाला नहीं है। वी वॉन्ट टू लीड अ हैप्पी लाइफ, तो ये सबसे बड़ा कारण उसका ये है। तो उस दिन हमें मूलाधार चक्र के नाम से आराधना करनी है। और सर, उस दिन शनिवार है, तो वैसे तो हर एक लोग के अलग अलग कलर थेरेपी के हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन हम अगर ऐसा सोच के चलेंगे कि उस दिन शनि का वार है, तो शनि से रिलेटेड जो भी रंग है सर,
ग्रे है, ब्लैक है, वो सब नीला कलर है, डार्क नीला कलर के आप वस्त्र परिधान कर सकते हो, यानी उस रंग के आप कपड़े पहन सकते हो, ताकि वो रंग के द्वारा भी जो सूर्य की शक्ति आती है वो परावर्तित होती है और हमारे अंदर उसकी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस दरमियान हमें लोगों को हेल्प मदद तो करनी ही है और सबसे अच्छे कर्म करते रहने हैं। ऐसा है कि अगर पूरे 9 दिन उपवास नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पहले दिन कीजिए, पहले दिन कीजिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ताकि एटलीस्ट आपकी इंद्रियों के ऊपर काबू आ जाए, काबू आ जाए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, करने को भी मिले, ताकि भूख प्यास पर हमारी सबसे पहली कंट्रोल आ जाएगी, जो भूखे नहीं रह पाते। तो जो सेकंड इसमें सेकेंड डे जो नवरात्रि है वो 2nd of October यानी गांधी जयंती के दिन आ रहा है, रविवार है उस दिन, तो वो दिन ब्रह्मचारिणी के नाम से डिनोट किया गया है, ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से डिनोट किया गया है। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है उसके बाद जो हमारा आएगा वो है स्वाधिष्ठान चक्र, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करके उस दिन उपासना साधना जो भी आप मंत्र चैंट करते हो वो कर सकते हो, या तो ओम ब्रह्मचारिणी नमः करके आप देवी का कर सकते हैं सर। ये नाभि के पास रहती है कि नाभि के नीचे? ये नाभि और जो हमारी कुंडलिनी है जो एनल से बिल्कुल जुड़ी हुई है, हमारे पूरा जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पर कुंडलिनी शक्ति है, उससे बिल्कुल ऊपर उठ के स्वादिष्टान चक्र आता है। कई सारे चक्र हैं सर, क्या है कि व्यूअर्स को ध्यान देने मतलब बैठते जब भी ध्यान पे था वो वहाँ पे अपना ध्यान लेना, वो सिर्फ अपनी नाभि पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो जिनको पता नहीं है तो सबसे पहले दिन पर उन्होंने हमारे जो एनल पार्ट है जहाँ से हम उत्सर्जन की क्रिया करते हैं वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, इन शॉर्ट हम वो बोल सकते हैं गुदा मार्ग जिसको बोलते हैं। सेकेंड डे पे उससे थोड़ा ऊपर हटके नाभि और गुदा मार्ग के बीच का जो पोर्शन है वहाँ पर उन्होंने सर कॉन्सेंट्रेट करना है। और रविवार है तो छुट्टी तो है आपको, कलर भी आप ऑरेंज कलर बेस्ट है, सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करनी, सूर्य का दिन है उस दिन, तो ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, उस दिन का नक्षत्र देखिए कौन सा है, क्योंकि कन्या नक्षत्र में जब चंद्र है उस दिन सर नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो भी है जी बिल्कुल, हस्त नक्षत्र ऑलरेडी शायद उस वक्त चल रहा होगा, तो उस प्रकार से भी बहुत सारी हमें सिर्फ करने की जरूरत है सर, बहुत सारी चीजें दिन है उसके देवता है, शनिवार से चालू हो रही शनि का कीजिए, रविवार से सूर्य का कीजिए, अब वो कुछ भी नहीं बताया तो उस दिन का देवता तो है, रात को देवी की उपासना करें, दिन में उस जो अधिदेवता है जो शनि देवता है हनुमान जी के टेंपल में चले जाइए उसी रंग के कपड़े पहनकर, या तो शनि मंदिर में चले जाइए, तो हम लोग बहुत सारा इसमें कर सकते हैं। शक्ति का तो बहुत मार्ग है, शक्ति फैली हुई है आपको लेना है, अट्रैक्ट करना है। बिल्कुल सर, जो तीसरा दिन है वो है चंद्र घंटा करके जो देवी है उसको, जैसे जैन लोगों में घंटा कर्ण देव है सर, तो मैं हमेशा इसको उसके साथ रिलेट करती हूँ क्योंकि बहुत उसका महत्व है। तो जो चंद्रघंटा देवी है वो सिंह यानी कि सिंह पर लायन पर बैठकर आती है ये देवी, और जितने भी हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है मतलब रोजमर्रा के जीवन के जो भी प्रॉब्लम है वो आसान करने में ये देवी हमें हेल्प करती है सर। और चंद्र का वार भी है, चंद्र का वार है, सोमवार है, दिस विल बी, और जो मुझे लगता है जो टैरट कार्ड करते हैं इसमें एक कार्ड स्ट्रेंथ, यस सर, उसमें ऐसा है द फीमेल इज ओपनिंग द माउथ ऑफ द लायन, यस सर, तो लायन पे तो शायद हो सकता है आपके पास फोटो ना हो तो उसी कार्ड पर कॉन्सेंट्रेट करके मंत्र कर दो सर, कितने सारे हम लोग ऐसी है कि जिस चीजों पे आपका काबू नहीं आ रहा है क्योंकि चंद्र का वार है, तो मन की जो चीजों पे आपका कंसंट्रेट नहीं हो रहा है उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। और इसका कौन सा चक्र, उसका जो चक्र है स्वाधिष्ठान से ऊपर, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जो मणिपुर चक्र आता है जो पेट पर है, पचन संस्था जो हमारी है, तो वहाँ पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। जो लोग साधक है सर, जो लोग ऑलरेडी उपासना में है वो इजीली कर पाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं है वो सिर्फ शांत भी खाली ध्यान मुद्रा में बैठे हैं वो भी उनके लिए, लेकिन जो करते हैं उनकी जानकारी के लिए हम ये चीजें बता रहे हैं। और सोमवार है तो व्हाइट सफेद मोतिया कलर के कपड़े वगैरह वो परिधान कर सकते हैं, और देवी के मंदिर में दिन में भी जाइए, देवी को फूल हार गजरा वेणी अर्पण कीजिए, तो
बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सर ये 9 दिनों में बोलते हैं कि हम लोग को पूरा 100 दिनों का फल मिल जाता है। हाँ, जिनको ओपनिंग करना है पूरे साल में आप कभी भी करो, पर यहाँ से शुरू करो तो ये एक सही समय होता है। बिल्कुल, मुहूर्त का तो वही है कि जिस समय पे आप चालू करते वहाँ से आपका अकाउंट ओपन होता है। और नवरात्रि के 9 दिन में आप कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हो, आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, शक्ति पंडित जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी नए काम की शुरुआत इस 9 दिनों में कर सकते हो। और आगे चल के जो 4th दिन है वो कुष्मांडा देवी के नाम पर समर्पित किया गया है। कुष्मांडा देवी जो है वो आदिशक्ति के नाम से भी सर जानी जाती है, आदिशक्ति पूरी शक्ति जिसमें समाई हुई है। तो ये बोलते हैं कि ये देवी का ध्यान करने से आदि व्याधि और उपाधि, 6, 8 and 12 house तो जिनके भी 6th, 8th और 12th ग्रह स्थित ग्रह थोड़े खराब चल रहे हैं या अनिष्ट ग्रह चल रहे हैं, उन्होंने खास करके कुष्मांडा देवी की उपासना दान की। बिल्कुल सर, और इसका जो चक्र है वो हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र है, पर कौन सा है क्योंकि जैसे बोला आदि व्याधि और उपाधि सब मन से ही शुरू होती है सर, हृदय से ही, तो ये हल्का हो जाता है, भार हल्का हो जाएगा। और मंगलवार है, हाँ वो भी एक शक्ति का है, लाल कलर उसका दिया हुआ है, मंगल का है, रेड कलर दिया हुआ है। तो आद्य शक्ति का मतलब होता है जो आपके अंदर सुसुप्त पड़ी है, आद्य का मतलब होता है पुरानी जी। जो आपकी सुसुप्त में है ऊर्जा उसको बढ़ानी है आपको उसको, और इट्स इन फॉरेन इट इज कॉल्ड एज अ क्लटर क्लीनिंग। ओके, जो आपके अंदर जो कचा हुआ है, जो भरा पड़ा है, बहुत सारे लोग यहाँ भर के रखते हैं राग द्वेष लोभ मद मोह मत्सर, उसको निकालने का, सो वो आदि सारी शक्तियों को बाहर निकाल के यू फिल विद द न्यू एनर्जी। बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छा सर, ये सब हमारे शास्त्रों में ही लिखा हुआ है। विद्वान और वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू शेयर विद अवर व्यूअर्स सर। जो 5th दिन है वो स्कंद माता के नाम से समर्पित किया गया है। जो स्कंद माता है वो उसकी उपासना तेजस्वी ऑरा यानी कि तेजस्वी वलय पाने के लिए किया जाता है, की जो हमारी ऑरा क्लींजिंग आभामंडल आभामंडल उसके लिए। और इसका जो चक्र दिया गया है वो है विशुद्ध चक्र, छत्रोक चक्र जिसे कहते हैं विशुद्ध चक्र, ताकि हमारे मुंह से भी अच्छे शब्द बराबर आपके मुंह से गलत ना निकले, और बहुत सारी सिद्धियां वाक सिद्धि में होती है। परफेक्ट सर, तो हमारे जैसे ज्योतिष उनको तो यहाँ से उठ के यहाँ पे दया आनी चाहिए, और दया आने के बाद ही आप जो बोलते हैं तो वो उनको लग जाता है और होता है। और जो भी ऑरेटर मैंने देखे, हम तो बहुत छोटे हैं, पर जो ऑरेटर है जिनकी वाणी से लोग प्रभावित हो जाते हैं, बिल्कुल मुझे लगता है उन्होंने वही विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दिया होगा, ताकि क्या कि वो सिर्फ बोलते कि इसे छोड़ दो तो लोग छोड़ देते हैं उनके, तो एक ये जो प्रभाव होता है, तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा शक्ति है लोगों के लिए, कि उनका जो बोलने से जो खराबी हो रही है उसको सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। जिसका कोई बुध खराब है, जी जी बुध भी है, बड़ा वाणी का, उन्होंने वाणी का कारक बुध है, या तो स्पेशली जिनका काम ही बोलना है, जैसे मार्केटिंग वाले हैं, या तो जिनका बोलने से पेशेंस वाले काउंसलिंग वाले हैं, तो उनके लिए ये 5वां दिन, और 5वां वैसे न्यूमरोलॉजिकली भी बुध ही आता है, तो देखिए और वार भी बुध है, और वार भी बुधवार है, कोइंसिडेंस है। देखो सर, हम लोग हमने ये तय नहीं किया कुछ भी, लेकिन कोइंसिडेंटली ये बातें हमारे द्वारा लोगों को बताई जा रही है, तो शायद देवी का ही ये आदेश है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सके। तो आगे बढ़ते हुए सर, जो 6th दिन है ये कात्यायनी माता, बहुत फेमस है कात्यायनी देवी, बहुत लोग इस नाम से अवगत है, उसको समर्पित किया गया है। इस दिन जो उपासना की जाती है सर, वो रोग शोक भय जो हमारे मन में, या तो हमारे आसपास रोगी को ये हम में कोई रोग है, उससे हमें थोड़ी राहत पाने के लिए, जो डर है फोबिया उससे, और जो शोक है यानी कि जो दुखी है हम किसी की वजह से, कोई वजह से जो दुखी है जिनकी कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो और उस वो उससे हमें छुटकारा पाना है, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करनी है सर। इसका जो गूढ़ अर्थ है, जो हम आप हमेशा अपने चैनल पे बोलते हो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से 12 घर बने हुए हैं, इसमें ही हमारी पूरा जीवन समाया हुआ है, तो सर ये दिन उपासना जो हम कात्यायनी माता की करेंगे, उसमें हम ये
चारों जहाँ अटक गए उसे एक लेवल ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं सर, धर्म से आत आत से काम और कामना से मोक्ष की ओर। तो गृहस्थ आश्रम से लेकर आप वन प्रस्थान करके फिर मोक्ष संन्यास मोक्ष की तरफ कर सकते हैं हम लोग। तो इसका जो चक्र है सर वो है आज्ञा चक्र, जो दो आंखों दो आईब्रोज के बीच में आता है। उसका ये की है, ये आपकी उंगली जितनी होगी ना वहाँ, ये उस चक्र को खोलने का की है। ये इसका जो नीचे का पोर्शन है उसको आपको नाक के टॉच पे लगाना है, जहाँ रुकेगा ये आपका अगला चक्र है। बढ़िया। जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या किसी के साथ बात करते हैं, फीमेल जरा संभल के जिसको भी अपना बात मनवाना है तो उसके लिए शॉर्ट की है। अच्छा। अगर चाइनीज लोग हाइट में छोटे, उंगली छोटी तो नाक भी छोटा है। बढ़िया। जो नॉर्थ के है या तो नॉर्दर्न साइड के, वो हाइट में बड़े, उंगली बड़ी है तो नाक भी बड़ा, नाक भी बड़ा है। तो ये चाबी है, ये जैसे ही आप ये पार्ट यहाँ नाक के टॉच पे लगाएंगे यहाँ पे आपका अग्नि चक्र खुल जाता है, जहाँ पर आपकी उंगली पहुँच रही है। और इसको सौभाग्य भी बोलते हैं क्योंकि पत्नी या स्त्रिया यहाँ पे बिंदी लगाते बोलते हैं सहभाग्य सौभाग्यवती, जो भाग्य लेके आई है। तो ये बहुत बहुत इसीलिए नौ दिन कुछ नहीं करते तो मैं बोल रहा हूँ कि अग्नि चक्र को आप एक्टिवेट कीजिए। आप सब जानते हैं कि शिव, हाँ शिव है, उनका अग्नि चक्र खुल गया तो सब हो जाता है भस्म। आपका भी है। तो ये बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि इसको दवा के बाद में कीजिए तो आपका इतना ज्यादा ध्यान और कंसंट्रेशन रहेगा, आपको इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं। तो फॉर स्टूडेंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने एटलीस्ट ये एक दिन थोड़ा सा ध्यान में सभी माताओं को याद करवा देते। कौन सा दिन है ये? गुरुवार आ रहा है सर, गुरुवार गुरु का वार है और छठा दिन है, ये छठा दिन है कात्यायनी माता। तो आज्ञा चक्र पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है और देवी की उपासना करनी है। फिर हम सातवें दिन की तरफ आएंगे जिसको काल रात्रि बोला गया है सर, काल रात्रि। तो ये हमें स्पेसिफिकली सर ये जो अनिष्ट ग्रह है किसी के भी कुंडली में उसके शांति के लिए इस दिन पूजा अर्चना। ये तो बिना ज्योतिष, कोई ज्योतिष नहीं है तो भी उनके भी कोई ना कोई तो अनिष्ट होंगे। हम सभी के कोई ना कोई ग्रह तो सर, हम तो पूरा ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। उस दिन आप शांति कर लो तो आपका अपने आप अनिष्ट दूर हो जाएगा। सिर्फ देवी माँ के पास जाके बोल सकते हैं हमारे नौ ग्रह शांत करने में हमारी मदद कीजिए, हमारे हाथ से अच्छे कर्म करवाइए, हमसे कोई दुखी ना हो ऐसा वर्तन हमारे पास करवाइए और हमें सद्बुद्धि दीजिए, इतनी प्रार्थना भी सर। जी, परम देवी का ही दिन है, शुक्रवार है जी, बिल्कुल शुक्रवार है। तो उस दिन सफेद कपड़े, गुलाबी कपड़े, गुलाबी लाइट ग्रीन कलर, ये सब हम लोग शुक्र में आकर्षित रेशम के कपड़े, रेशम के कपड़े जो है आप उस दिन परफ्यूम्स की अच्छी खरीदी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। और जो सौभाग्यवती महिलाएं है वो सौभाग्यवती को या किसी महिलाओं को जो महाराष्ट्र में परंपरा है ओटी भरना, यानी कि उनके जो कुमकुम जिसे बोलते हैं, जी जी, उनके पल्लू में पूरा सुहाग का सामान सर वो लोग अर्पित करते हैं, उनको कुमकुम लगाते हैं महिला को, और साड़ी और जो भी सौभाग्य की चीजें है, ग्रीन बैंगल्स है, बिंदी है या तो पैरों की पायल है, पैरों की पायल यानी चंद्र, कुमकुम यानी मंगल एक्टिवेट करते, जो फूल अर्पण करते यानी कि शुक्र देते, जो नारियल देते यानी कि हम लोग राहु दे रहे हैं ताकि राहु की भी हमारे पास शांति बनी रहे। तो हर एक चीज के पीछे सर हमारी परंपरा में कुछ ना कुछ रीजन छुपा हुआ है। सातवां दिन महिलाओं के लिए, इसके पहले का दिन सब विद्यार्थी के लिए, और सरस्वती आह्वान आप जैसे बोल रहे थे सर, सरस्वती आह्वान वो भी उसी दिन होता है। इसलिए क्या होती है, सारी देवियां फिर इकट्ठा हो जाती है क्योंकि ये ब्रह्मा की पत्नी है, तो क्या है कि सारी देवियां उनके हस्तगत रहती है। तो सारी देवियां उस दिन, और शुक्रवार मिल रहा है आपको तो बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बढ़िया। तो सरस्वती का आह्वान करना है उस दिन, सरस्वती का बच्चों ने फोटो लाकर, मैंने सरस्वती का मंत्र भी पहले शेयर किया था, ओम एम नमः, ओ एम ए आई एम नमः, ओम एम नमः। आप अगर कंटिन्यू एम एम बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे चक्र वाइब्रेट होने चालू होता है। सो यहाँ पे जो हमारे मस्तिष्क में जो सारी गड़े हैं या जो खड्डे नहीं हुए, जो मेमोरी बढ़ानी है, ग्रे मैटर को बढ़ाना है, तो एम एम करने से यहाँ पे एक प्रेशर आता है, इट वाइब्रेट्स और आपकी याद शक्ति बढ़ती है। एम यानी सरस्वती। हाँ, एम मतलब सरस्वती। ओम एम नमः। ओम एम नमः। बढ़िया सर, मैं भी करूँगी बिल्कुल ये मंत्र। और आठवें दिन की तरफ आएंगे तो महागौरी पार्वती जी का बड़ा रूप, स्वयं, हाँ, स्वयं बोला ब्रह्मा जी की पत्नी आई, फिर अभी ये
अष्टमी जी की बहुत फेमस है सर। अष्टमी का तो हवन होता है, हवन होता और है। उस दिन शनिवार भी है तो बहुत बढ़िया है। हवन का यज्ञ का मतलब होता है कुछ त्यागना, तो शनिवार को वैसे भी त्याग करने से अच्छा फायदा होता है, तो हवन कीजिए। अगर आपको सब प्रक्रिया पता है तो हवन कर लीजिए, या जहाँ कहीं भी हवन चल रहा है जाके अपना श्रीफल दे दीजिए, वो भी राहु का हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और उस दिन जो महागौरी है सर, उस दिन स्पेसिफिकली ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वो अभय मुद्रा में होती है उस वक्त। अच्छा। तुरंत प्रसन्न होके हमें जो भी चाहिए हो आशीर्वाद दे देती है, तो इसीलिए हवन और होम उस दिन किया जाता है अष्टमी का, क्योंकि वो अभय मुद्रा में उस दिन पाई गई है कि थोड़ा भी करेंगे तो तुरंत प्रसन्न हो जाती है अपने चाहने वालों पर, अपने पूजा करने वालों पर, अपने भक्तों पर, वो तुरंत आशीर्वाद का वर्षाव कर देती है। तो सब मिलकर हम जरूर इस बार अष्टमी मनाएंगे और अच्छे से यज्ञ हवन होम जो भी हमसे बन पड़ेगा हमारी इच्छा अनुसार वो हमें करना है। और सर लास्ट डे यानी कि नौवा दिन जो है वो सिद्धिदात्री के नाम से समर्पित किया गया है, आपका हर काम सिद्ध हो सिद्ध हो जाए। क्योंकि जो मैं सहस्रार चक्र सर सेवेंथ डे का जो हम बात कर रहे थे, जो सरस्वती आह्वान का आपने बताया, सातवें दिन पर काल रात्रि पर जो लास्ट चक्र हमारा रह गया था आज्ञा चक्र के बाद, वो सहस्रार चक्र जागृत करने के लिए सर हम सातवें दिन पर करते, क्योंकि मेन ऊर्जा हमारी यहाँ से ही हम पाते हैं। हाँ, इसलिए ओम ऐम नमः करने से वो वैसे भी वाइब्रेट, जैसे आपने बोला वाइब्रेट होता है, तो देखो इसमें भी वही दिया गया है कि सहस्रार चक्र पर हमें कॉन्सेंट्रेट करके ये काम करना है। तो फिर से मैं नौवे दिन की तरफ आऊंगी। सिद्धिदात्री देवी है, वो आठ दिन के बाद आने वाली है, तो बोलते अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है इस दिन सर, सब प्रकार की लक्ष्मियाँ सिद्ध हो जाती है, सब प्रकार की लक्ष्मी। इसलिए सातवें दिन पे सरस्वती, आठवें दिन पे पार्वती जी, और नवे दिन में स्वयं लक्ष्मी जी आ जाती है। और इसीलिए सर इसका स्वरूप भी अर्धनारीश्वर का है। अच्छा, ओके, हाफ शिव और हाफ शक्ति। अच्छा, पर इससे सबसे ज्यादा पावरफुल तो मुझे लगता है दसवां दिन है, क्योंकि यहाँ पे दशहरा, मतलब कि आपके अंदर जो दस अलग अलग, हम तो यहाँ पे पारंपरिक रूप से रावण के पुतले को जलाते, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छाई के साथ बुराई ज्यादा थी, तो वो दस तरह की मोह अहम ये जो था वो जलाने के लिए, माया मद मत्सर जो भी है हमारे अंदर, रावण जलाते, तो ये एक अच्छा दिन है जाके अपनी नेगेटिविटी को बाहर डालने के लिए अपने, क्योंकि आपके अंदर आप शक्ति आ चुकी है, आपको क्या सही क्या गलत का पता चल चुका है, तब आपके लिए दशहरा के दिन ये आपकी बुराइयों को बाहर निकालने के लिए एक मौका दिया गया, मौका दिया गया। और सर जैसे आपने अपनी वाटर रेमेडीज में बताया था कि कपूर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जो लोग नहीं जला रहे कैंफर वो लोग इस नौ दिनों में पूरे दिन डिफ्यूजर खरीद ले मार्केट से, बहुत ज्यादा महंगा नहीं मिलता है सर। और नीचे एक टी लाइट की कैंडल लगा दीजिए और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करने का ये काम करता है, और इसका स्मेल जाने से एंटी बैक्टीरियल का भी काम करता है, और थोड़ा सा पवित्र और वातावरण शुद्धि करण भी सर ये कपूर करता है। तो आपने तो दसों दिनों का दशहरा और पूरे नवरात्रि का बहुत ज्यादा ग्रहों से लेके देविया तक का सारा दे दिया, मुझे लगता है कि व्यूअर्स को इससे ज्यादा शक्ति कहाँ प्राप्त हो सकती है, कहाँ प्राप्त हो सकती है। और एक ही शक्ति है, एक ही शिव है, आप एक ही देवी को लेकर भी पूरे नौ दिन प्रार्थना कर सकते हैं। तो इससे ही क्या कि आपके ग्रह का भी शांति हो जाएगा, मन का शांति, तन का शांति, सब। और उपासना और रेमेडीज सब, जो लोग हमेशा रेमेडीज पूछते रहे थे, तो हमारे अंदर ही है उपाय, शक्ति को खाली जागृत करना है, हमें शक्ति जागृत करनी है। तो इसी के साथ सर हम आज का ये जो एपिसोड है वो समाप्त कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, बहुत इम्पोर्टेंट ओम ऐम नमः का जो उन्होंने मंत्र हमें दिया है वो हमें हमेशा चैंट करते रहना है। और अगले एपिसोड में हम एक अच्छा विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। फीडबैक देना मत भूलिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद सर।